सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके दुख से बहुत लोगों को खुशी होगी, इसलिए जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए किसी को बताना नहीं। आज का पंचांग 28 सितंबर 2022 दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 1:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:17 से 1:46 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप माँ चंद्र घंटा की पूजा करें, शुभ रहेगा। वृषभ राशि 28 सितंबर 2022 दिन बुधवार, आज आप पूरा दिन थोड़े से भावुक रहेंगे। आप जो भी करेंगे पूरे मन से करेंगे और इसलिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को टाल रहे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर रख कर सुलझाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। समय अनुकूल है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, परंतु भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके अनुकूल करेगा। मित्रों अथवा रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम बनेगा और आपसी मेल मिलाप सुखद रहेगा। परिवार के लोगों के साथ चर्चा करके लिया गया निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों के साथ बातचीत जरूर करें। कम समय में अधिक प्रगति प्राप्त करना आपके लिए संभव हो सकता है। अभी पैसे से संबंधित लिए गए निर्णय फायदा दे सकते हैं। अपने करियर को बेहतर करने के लिए रास्ता प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ की गई बातचीत की वजह से दूरियां कम होगी। सावधानियां, छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो जाना या आवेग में आना उचित नहीं है। कोई भी समस्या आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना उचित रहेगा। आज किसी से भी कोई वादा ना करें क्योंकि निभाना मुश्किल हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में डिसिप्लिन बनाकर रखना आपका दायित्व है। विवाहित संबंधों से दूर रहें। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्तकत और अंतरंग भी हो सकती है, इसलिए अपने भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे ना रोकें, वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। बात करते हैं करियर की। कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, यह जल्द ही अपने पक्ष में होगा। पार्टनरशिप करने का प्लान है तो तुरंत उस पर काम करें। व्यवसाय संबंधित कार्य नियत समय पर पूरे होते जाएंगे। इस समय कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव भी लाने की जरूरत है। ऑफिस में अत्यधिक कार्य होने की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा थकावट की वजह से नसों में खिंचाव तथा दर्द की समस्या रह सकती है। आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके ऊपर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में ना ले बैठें। आज का उपाय,
आज आप माँ चंद्रा घंटा की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।